स्टॉक मार्केट के लिए लैपटॉप को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा कंप्लीट गाइड मिल जाएगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये जितने भी लैपटॉप हैं, इसमें आप दो मॉनिटर को एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हैं और एक स्क्रीन आपके लैपटॉप में दिखेगा, तो टोटली आप तीन स्क्रीन देख सकते हैं। और जो प्राइस है वो भी एकदम परफेक्ट ही होने वाला है, आपके बजट में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन से लैपटॉप हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को देख। इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप के बारे में बात करेंगे, वो सब लैपटॉप में आप दो मॉनिटर को एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हैं और एक आपके लैपटॉप के स्क्रीन में, तो टोटल आप तीन मॉनिटर का मजा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पे है Lenovo ThinkPad T450, Intel Core i5, 5th जनरेशन, 14 इंच स्क्रीन, 8GB रैम, 256GB SSD, Windows 10 के साथ में है। इसके प्राइस की बात करते हैं, 15,750 रुपया। और इसके कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें दिया है आपका VGA और मिनी डिस्प्ले पोर्ट। अगर आपके मॉनिटर में VGA दिया है तो आप बहुत ही इजी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मिनी डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। मिनी डिस्प्ले पोर्ट से HDMI में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये कन्वर्टर लेना पड़ेगा। अगर मिनी डिस्प्ले पोर्ट से आप VGA में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये कन्वर्टर लगेगा। जितने भी कन्वर्टर हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो आइए दूसरे लैपटॉप को देखते हैं। Dell Latitude E5440, 14 इंच स्क्रीन है, Intel Core i5 4th जनरेशन, 8GB रैम, 128GB SSD, Windows 10 Pro, Intel HD ग्राफिक 3000, डार्क ग्रे कलर का है। और इसके प्राइस की बात करते हैं, 16,246 रुपया है। इसके कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें एक VGA कनेक्टर दिया है और दूसरे साइड में HDMI कनेक्टर दिया है। अगर आपके मॉनिटर में VGA या HDMI दिया है तो बहुत ही इजी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी कन्वर्टर का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी आपके बजट के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप हो सकता है। आइए देखते हैं तीसरे लैपटॉप, Dell Latitude E5470, 14 इंच स्क्रीन है, Intel Core i5 6th जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD, Windows 10 MS Office Pro 2019, इंटीग्रेटेड ग्राफिक है ब्लैक कलर में। इसके प्राइस की बात करते हैं, 17,868 रुपया। और इसके कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो इसमें एक साइड में दिया है VGA कनेक्टर और दूसरे साइड में दिया है HDMI। अगर आपके मॉनिटर में VGA या फिर HDMI दिया है तो आपको इसमें भी किसी भी तरह का कन्वर्टर नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ही इजी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चौथे नंबर लैपटॉप को देखते हैं। ये है Lenovo का Lenovo ThinkPad, Intel Core i5 6th जनरेशन का है, ये HD लैपटॉप है, 8GB रैम, 256GB SSD, 14 इंच स्क्रीन है, Windows 11 है इसमें, MS Office, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, वेबकैम Intel HD ग्राफिक के साथ में। इसके प्राइस की बात करते हैं, 17,995 रुपया। और इसके कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें मिनी डिस्प्ले पोर्ट दिया है और एक HDMI कन्वर्टर दिया है। तो इस तरह से आप इस लैपटॉप में भी दो मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं पांचवे नंबर लैपटॉप को, Dell Latitude 5490, Intel Core i5 7th जनरेशन का है, 8GB रैम, 256GB SSD, Intel HD ग्राफिक, 14 इंच स्क्रीन, Windows 11 के साथ में है ये, MS Office ब्लैक स्लिम। इसके प्राइस की बात करते हैं, 18,704 रुपया। और इसके कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें आपको एक VGA दिया है जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और बैक साइड में दिया है HDMI, इससे भी आप बहुत ही इजी तरीके से किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप के बारे में बताया है, ये बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है और आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको किसी भी तरह का कन्वर्टर की जरूरत पड़ता है तो जितने भी कन्वर्टर है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये मिनी डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर है, इससे आप मिनी डिस्प्ले पोर्ट से HDMI का कोई भी मॉनिटर है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर। अगर आपके किसी भी लैपटॉप में डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ है और आप उसको HDMI के थ्रू कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस कन्वर्टर का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में मिनी डिस्प्ले पोर्ट दिया है और आपके मॉनिटर में
VGA दिया है तो आप इस कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, और आपके लैपटॉप में डिस्प्ले पोर्ट दिया है और उससे आप VGA कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको जितने भी तरह के कन्वर्टर और लैपटॉप दिखाए गए हैं उसके सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।